মনের মতো ফার্নিচারের সেরা ঠিকানা দ্য আরবান ফার্নিচার, যেখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 50,000 টাকা থেকে বেডরুম সেট, আর দারুণ সব ডিজাইনের ডাইনিং টেবিল পাবেন মাত্র 10,000 টাকা থেকে। এছাড়াও থাকছে স্লিপওয়েল ও গোদরেজ ম্যাট্রেসের ওপরে 20% ছাড়, আর সাথে পাবেন ফ্রি কম্পিউটার টেবিলও। রানীগঞ্জের বিএন আগারওয়াল হসপিটালের মুখোমুখি রয়েছে দ্য আরবান ফার্নিচারের শোরুম। এছাড়াও আমাদের শাখা রয়েছে অন্ডাল, দুর্গাপুর, পাণ্ডবেশ্বর ও রানীগঞ্জে। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। शुक्रवार की रात से ही कोलकाता और पश्चिम बर्धमान समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश हो रही है। अलीपुर मौसम विभाग ने शनिवार को भी दिन भर पश्चिम बर्धमान समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। यह बारिश निम्न दबाव के प्रभाव से हो रही है और मौसम विभाग ने शनिवार को 2 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अलीपुर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुड़ा जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को इन दोनों जिलों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है। इसके अलावा शनिवार को बीरभूम, पुरुलिया, झाड़ग्राम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व मेदिनीपुर और हुगली में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और नदिया जिले में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार रात से हो रही लगातार बारिश के कारण पश्चिम बर्धमान के आसनसोल, दुर्गापुर समेत शिल्पांचल के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें आफत की इस बारिश से कब छुटकारा मिलेगा। अलीपुर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि रविवार से पश्चिम बर्धमान समेत दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों में बारिश का सिलसिला कम हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 15 सितंबर तक उत्तर बंगाल की खाड़ी और इससे सटे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटों पर तूफानी हवाएं चलेंगी। हवा की गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। शनिवार को गंगा के तटवर्ती जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस सूची में कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम शामिल है। रविवार तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र कैनिंग से 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व और कोलकाता से 100 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है। यह शनिवार शाम तक गहरे दबाव के रूप में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ेगा। इसके बाद कमजोर पड़ जाएगा और झारखंड की ओर बढ़ जाएगा। अलीपुर मौसम विभाग इस निम्न दबाव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।